हमारे सिंध के जो रिहायशी हैं, ज़ाहिर है हमारे पाकिस्तानी हैं, भाई हैं सारे हमारे, पूरे मुल्क के अंदर जो इनकी बरादरी बसती है उनको खुशी का यह त्यौहार पर दिवाली पर जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। साबिर साहब, शुक्रिया स्पीकर साहब। सर यकीनन जो आज का त्यौहार है हमारी हिंदू बरादरी के लिए तो अहमियत रखता ही रखता है। इस्लाम भी हमें ये सिखाता है कि जो आपके ज़िम्मे हैं उनको आपको हिफाजत भी देनी है, उनका ख्याल भी रखना है और उनको मुकम्मल आज़ादी भी देनी है। और मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में और हमारे ख़ासतौर पर सिंध में जिस तरह का कल्चर है कि हम सब लोग मिलकर अपने मज़हबी त्यौहारों को मनाते हैं, और मेरा तो जिस शहर से ताल्लुक़ है हैदराबाद से, वहाँ तो सब बड़ा ज़बरदस्त तरीके से मनाते रहे हैं। दिहारी कहें, दीपावली कहें, दीपावली या उसको हम दिवाली कहें, ये सारी चीज़ें जो है नाम खुशियों के और लाइट्स के और रोशनियों के हैं। मैं यहाँ मौजूद तमाम बरादर भाइयों को और पूरे सिंध में जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उन सबको इस शुभ कामनाएँ कहता हूँ। जी शबीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमोदोन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीम। जिस तरह मेरे सीनियर मेंबर साबिर भाई ने कहा कि इस्लाम भी हमें ये सबक ये दर्स देता है कि हमारी मुमलिकत इस्लामिया में जो भी मजाहब रहते हैं उनकी मुकम्मल इबादत गाहों की हिफाजत करना और उनके त्यौहारों की खुशियों में उनको मुबारकबाद देना हमारा दीनी फ़र्ज है। तो उस हवाले से मैं सिंध में बसने वाले बल्कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम हिंदू बिरादरी को तहरीक इंसाफ की तरफ से दीन मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप लोगों के लिए मज़ीद खुशियाँ दे। ओके अल्लाह। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। मेरी तरफ से और मेरे पार्टी की लीडरशिप की तरफ से, मुस्तफ़ा कमाल भाई की तरफ से, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, अनीस भाई की तरफ से, पाकिस्तान में और सिंध में बसने वाले तमाम अकलीती बरादरी को दिल की गहराइयों से हैप्पी दिवाली। और जैसा कि आज का दिन हिंदू धर्म में बहुत ही मोहतरम और बहुत ही काबिले तहसीन और मौजिब दिन है, जिसकी तरफ से कि आज हमारे श्री रामचंद्र वनवास काट के वापस अयोध्या आए थे तो उसकी खुशी में दिवाली मनाई जाती है। तो मेरी तरफ से और मेरे जो पार्लियामेंट जो हैं मेंबर्स उनकी तरफ से पूरे सिंध को दिवाली की शुभकामनाएं। थैंक यू। जी रोमा साहिबा। माइक खोल दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया दिवाली के मौके पर बोलने का। मैं अपने नौजवान कायद चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से, बीबी आसिफा की जानिब से अपने हिंदू बहन भाइयों को दिवाली की मुबारकबाद पेश करती हूं। और मैं वाजिया कर देना चाहती हूं और बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर अब हम अकलियती लोग अपने मजहबी त्यौहारों को आज़ादी से मनाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।